हेलो दोस्तों, कई सारे लोगों ने मेरे को बोला था कि टैब का आप रिव्यू बनाओ कोई जो अच्छे बजट में हो, तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए लेनोवो का M8, जो कि बढ़िया सेगमेंट में एक अच्छा टैब मेरे को लगा है। तो चलिए करते हैं शुरू वीडियो को और करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ओपन कर लेते हैं फ्लिपकार्ट का बॉक्स और निकालते हैं बाहर टैब को। और ये हमने निकाल दिया है बाहर टैब। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं लेनोवो का टैब जो कि M8 SD है, और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। आप देखते हैं सामने की तरफ से बॉक्स कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें कि ऊपर टैब M8 SD लिखा गया है और नीचे की तरफ लेनोवो की ब्रांडिंग दी गई है। और अगर हम बैक साइड की बात करें तो लेनोवो की ब्रांडिंग दी गई है, साथ ही साथ कुछ उसके फीचर्स लिखे गए हैं जैसे कि प्रीमियम मेटल डिज़ाइन, पावर चिप, लॉन्ग बैटरी लाइफ, वाईफाई 2.4G और एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी है, ये सब दिया गया है। अगर नीचे की तरफ हम देखें इसकी प्राइसिंग और मैन्युफैक्चरिंग, तो 16,000 इसकी प्राइसिंग दी गई है और मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है 3/2021 दी गई है। तो चलिए करते हैं ओपन इसके बॉक्स को और देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या इसके अंदर हमें दिया गया है। तो सबसे ऊपर से टैब रखा गया है बॉक्स में अंदर, इसको निकाल लेते हैं। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर टैब है, जैसा कि सभी लोगों को पता है इसकी स्क्रीन लगभग 10 इंची दी गई है, ऐसा कंपनी का कहना है। इसको एक बार अभी हम देखेंगे नाप करके कितनी इसकी स्क्रीन है एक्चुअली। तो पीछे की तरफ से कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, एक कैमरा दिया गया है। सामने आप देखें तो मिडिल में कैमरा दिया गया है इसका। इसके स्क्रीन को मेज़र करके देखते हैं कितनी इसकी स्क्रीन दी गई है। अगर कॉर्नर टू कॉर्नर हम मेज़र करते हैं तो यहाँ पर 9 इंची यहाँ पर आ रही है। और अगर इसको ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ पे, कॉर्नर टू कॉर्नर 9 इंची है। और वहीं पर अगर हम फ्लैट इसको मेज़र करें तो 8 इंची के आसपास आ रहा है। तो ऑन करने के बाद अगर कॉर्नर टू कॉर्नर मेज़र करेंगे तो 8 इंची है यहाँ पर, जैसा कि कंपनी ने बताया है, बिल्कुल सही है। अब साइड में हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर बटन दिया गया है, वॉल्यूम अप डाउन बटन दिया गया है। ऊपर की तरफ हम देखें तो स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं और हेडफोन जैक दिया गया है। लेफ़्ट साइड में यहाँ पर एक सिम ट्रे दी गई है और नीचे की तरफ यहाँ पर पावर जैक दिया गया है जो कि माइक्रो USB वाला है। और यहाँ पर कैमरा जो है एक फ्रंट में दिया गया है और एक बैक साइड में दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं 8 मेगापिक्सल यहाँ पर है। लेनोवो की ब्रांडिंग दी गई है एक साइड में और कुछ फीचर लिखे गए हैं। अब बैक साइड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट नहीं है। ऑन कर लेते हैं इसको और जब तक ये ऑन होता है तब तक हम देख लेते हैं बॉक्स में और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक चार्जर और USB केबल है, ये देख सकते हैं आप, एक नॉर्मल चार्जर है और जो केबल दी गई है माइक्रो USB केबल है। तो सी टाइप भी अभी तक यहाँ पर टैब में प्रोवाइड नहीं करा है लेनोवो ने, ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या यहाँ पर बॉक्स में हमें देखने को मिलता है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर एक हमारे पास सिम जैक पिन है और यहाँ पर वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल है जिसके थ्रू आप यहाँ पर चला सकते हैं इसे। और कुछ खास यहाँ पर दिया नहीं गया है बॉक्स में, सिर्फ यूज़र मैनुअल और ये यहाँ पर सिम इजेक्टर पिन दी गई है। तो चलिए यहाँ पर जल्द से इसको बूट कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसा इसका इंटरफेरेंस है। तो फाइनली टैब यहाँ पर ओपन हो चुका है और इसका इंटरफेरेंस देखें तो काफ़ी स्मूथ ये चल रहा है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek का हीलियो A22 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पर दे देगा ये MediaTek का हीलियो A22 प्रोसेसर सही है। इसके स्टोरेज की अगर हम बात करें तो 24% यूज़ दिखा रहा है यहाँ पर, जिसमें कि 7.74 GB यहाँ पर फ्री है 32 GB में से।
बाकी जो है वो ऐप के लिए यहाँ पर यूज हो जाती है। और यहाँ पर हम इस टैब की बात करें तो एंड्रॉयड, इसका हम चेक कर लेते हैं एक बार कि कौन सा एंड्रॉयड यहाँ पर वर्ज़न दिया गया है। तो एंड्रॉयड वर्ज़न यहाँ पर 10 दिया गया है, जैसा कि आप मेरे हाथ पर देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि लेटेस्ट यहाँ पर एंड्रॉयड वर्ज़न यहाँ पर दिया गया है लेनोवो की तरफ से। और यहाँ पर मीडियाटेक का हीलियो A22 प्रोसेसर है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलने वाली है हमें। इंटरफेस काफ़ी अच्छा लगा है मुझे इसका। और भी इसकी कुछ फीचर्स हम देखते हैं यहाँ पर। फ़िलहाल कुछ सेटिंग मैं कर लूँ यहाँ पर, जिस वजह से ये थोड़ा सा बैक करने में प्रॉब्लम कर रहा है, देख सकते हैं आप। तो इसके तीनों बटन मैं अभी लेके आऊँगा। फ़िलहाल हम कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो सेटिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं उसको, और वीडियो क्वालिटी जो है वो भी आप 1080p तक यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर ये सेल्फी कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का है। तो ठीक ठाक यहाँ पर टैब दिया गया है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा है। बैटरी की बात करें तो इसकी 5000 mAh की बैटरी है, जो कि लिथियम पॉलीमर की दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। अब इसके हम कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गेस्ट भी बना सकते हैं, जो कि एक लॉक टाइप का है, जिसमें कि आप अगर अपने बच्चे को देते हैं तो गेस्ट और ओनर दो यहाँ पर बना सकते हैं अपने यूज़र, जिसमें कि आप कई सारी ऐप रखें या ना रखें वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा लोगों के यूज़ के लिए ये फ़ीचर काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन में होती हैं, तो सिंपली यहाँ पर आपके बच्चे या आप लोग चला सकते हैं इसे। अब मेन बात इसके प्राइसिंग की करें तो फ्लिपकार्ट से हमें ये 9,950 का मिला है। तो आप देख सकते हैं कई सारे ऑफ़र यहाँ पर फ्लिपकार्ट में आपको भी देखने को मिल जाएंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत सही लगी होगी, और अपने कमेंट और सुझाव मुझे ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कमेंट भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।